परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे को पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्णस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीयानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सभेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन भावि ह्यचावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 45 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन सव्यधितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रतिरदेवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं च गृहस्थ नेच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव श्रीदैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगः
तेजोमयंगेश्वरनन्द्रमाद्यं यन्मे स्वराज्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयव्याध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न च बोधिरूपैः एवं रूप शक्यहं विलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु चैर मातेभ्य धामास विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमे दृङ्गमेदं व्यपीतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच एत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सोऽव्यवपूर्णस्म अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवेत्त सचेता प्रकृतिं गत श्री भगवान् उवाच सुदूरदर्शनेदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेद्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो न ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्कर्मो मध्वस्य सङ्गवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव मत्कर्म कृन्मत्कर्मो मध्वस्य सङ्गवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव पाण्डव ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासुविद्यायाङ्गे विष्णुलोकवर्षीकादशः वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे
हरे शरणम् राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 मई 1993 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम 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 राम। तो वो जो तत्व ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, तो आत्मज्ञान में भी प्रतंत्रता होती है क्या? खास अपना ज्ञान इसमें पराधीनता कैसी? पराधीन तो तब दूसरे में, दूसरे का ज्ञान करना हो, दूसरे का विचार करना हो तो उसमें तो व्यवधान होता है, समय लगता है, पर स्वयं अपना आपका ज्ञान है उसमें पराधीनता कैसी? जहाँ जीवन मुक्ति के लक्षण है, गुणातीत के लक्षण है, वहाँ समदुख सुख स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों को प्रकृतिस्थ पुरुष भोगता है। प्रकृतिस्थ पुरुष होता है प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है। जो प्रकृतिस्थ नहीं होता वो गुणों का भोगता नहीं होता। तो गुण भोगता है वो सुख दुख का नाम पुरुष सुख दुख का नाम भोगते से हेतु रखे थे। पुरुष सुख दुखों के भोगतापन में पुरुष हेतु है। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रचे थे। कार्य और कर्ण के कर्तापन में तो प्रकृति हेतु है और पुरुष है सुख दुख के भोगने में हेतु है। तो कहा पुरुष सुख दुख का भोगता नहीं है, हेतु अभोगता है, अकर्ता है। तो गीता कहती है पुरुष सुख दुख का नाम भोगते हेतु, सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु है। तो पुरुष कौन सा हेतु है? तो कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थोड़ी, प्रकृति में स्थित होता है पुरुष, वो सुख दुख का भोगता होता है। तो सुख दुख का भोगता कौन नहीं होता है? कि सम दुख का सुख है स्वस्थ, जो स्वयं स्थित हो जाएगा वो पुरुष भोगता नहीं होगा। तो प्रकृति और पुरुष दो है, पुरुष चेतन स्वरूप का नाम है और प्रकृति जो प्रकार परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति उसका नाम प्रकृति है। तो प्रकृति में स्थित होने से पुरुष सुख दुख का भोगता बनता है और स्वयं में स्थित हो जाए अपने आप में तो सुख दुख में सम हो जाएगा, सुख और दुख में सम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रकृति में स्थित नहीं है। जैसे कोई मकान में बैठा है आदमी और मकान में आग लगा ले तो वो जलता है, उसे दुख होगा। पर जो मकान में नहीं है वो मकान में आग लगा गए तो उसकी क्या बाधा होगी? जो को मकान में है ही नहीं वो अलग बैठा है तो मकान जल जाओ, जल जाओ, बढ़िया हो जाओ, घटिया हो जाओ, ठीक हो जाओ, बेठूक हो जाओ। तो पुरुष प्रकृति में स्थित नहीं होता है तब सुख दुख में सम हो जाता है। और गीता का सिद्धांत है समत्वम योग उच्चते, गीता का योग है समता। ये जो योग है ना, योग के अर्थ अलग अलग होते हैं।
योग शब्द योग, योग का अर्थ गीता में तीन तरह से बताया मैंने। गीता दर्पण में योग के अर्थ ये तीन, क्योंकि व्याकरण में योग शब्द बनता है व्याकरण से, तो उसमें तीन धातु है, एक युजिर योगी धातु है, एक युज समाध है, एक युज संयम ने है। तीनों साधनों से घाय प्रत्यय करने पर योग तत्व को घटने तो ज्ञ हो जाता है, योग शब्द बन जाता है। व्याकरण की रीति से व्याकरण जानने वाले शब्द तीन तरह से, तो योग शब्द अर्थ होता है समाधि, योग का अर्थ होता है सामर्थ्य, सबको बस में कर रहे ऐसा योग का अर्थ होता है, और एक योग का अर्थ होता है योगे, ऐसे दो का संबंध हो जाए उसका नाम योग। तो योग नाम समाधि का है, योग नाम संयोग का है, और योग नाम सामर्थ्य का है। तो गीता ने किसको योग माना है? गीता ने योग दूसरों को भी माना है। गीता का साक्षात योग अर्थ है समतम योग उच्यते, समता हो जाए, ये समता योग अर्थ है। समाधि गीता मानती है, समाधि को भी मानती है योग, परंतु गीता का मुख्य योग नहीं है, मुख्य योग है समता। तो समता कैसे? सुख आवे दुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, उसमें अपने में एक समान स्थिति है, सुख दुख से अभिभूत न हो, वो योगी है। तो योग न हुआ समता का, समत्तम योग उच्चते साप का, हमारे जहाँ योग नाम है समता का। योग दर्शन में योग स्थिति वृत्ति निरोधा, योग दर्शन में योग का अर्थ किया है सच्ची वृत्तियों का निरोध, उसको योग कहते हैं। ये योग दर्शन की योग परिभाषा है, गीता की परिभाषा है समत्व योग उच्चते। तो समता क्या, आप ध्यान देकर सुने, सब भाई बहन ख्याल करके सुने, हमारे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, इन अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर अपने में कोई विकार न हो, उसका नाम है योग। गीता के अनुसार समता का नाम योग। अब ये समता आप जिस किसी तरह से प्राप्त कर सको, चाहे समाधि लगाकर कर लो, चाहे विचार कर लो, चाहे भगवान के शरण होकर कर लो, इसके सिवाय और किसी उपाय से ही कर लो, आपके मन में अनुकूलता प्रतिकूलता मिला देगा तो बुरा लगता है, कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, कोई निंदा करे तो बुरा लगता है। ये जो अच्छा और बुरा लगता है जिसमें वृत्तियों में फर्क पड़ता है, वो योग नहीं है। योग नाम उसका है आदर करे निरादर करे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुकूल परिस्थिति बने प्रतिकूल परिस्थिति बने, परंतु अपने पर असर ना हो, तो उसको गीता ने योग कहा है। गीता में इसका वर्णन आया है, सर्गो ये सामने सर्गो, इस जीवित अवस्था में ही वे संसार को जीत गए, संसार पर उनकी विजय हो गई। क्योंकि ये शाम मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है जो का जो मन स्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता किसी तरह की आवे, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, और अपने सिद्धांत जैसे हम अद्वैत मानते हैं तो अद्वैत का वर्णन हो चाहे द्वैत का, इनके आते हुए भी हमारे सिद्धांत की समता क्या, कि हमारे मन विचलित न हो, बुद्धि में
पक्षपात न हो, एक तरफ खिंचाव न हो, आकर्षण और विकर्षण जिस तरफ हमारा आकर्षण हो जाए उससे विकर्षण हो जाए, ये ठीक है ये बेठीक है, ये अनुकूल प्रतिकूल है। इन दोनों में अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होना दोषी नहीं है। ये हमारे अनुकूल बोलता है, ये हमारे प्रतिकूल बोलता है, ये हमारे आदर करता है, ये हमारा निरादर करता है, ऐसा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान दोषी नहीं होता। ज्ञान कोई सही दोषी होगा ही नहीं, ज्ञान है जानना है जिसे। दोष क्या है? काट को काट जाने, मनुष्य को मनुष्य जान जाए, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान दोषी नहीं होता। उस ज्ञान से जो विकार पैदा होता है, हर्ष और शोक होता है, राग और द्वेष होता है, प्रसन्नता और अप्रसन्नता होती है, ये है विकार। ये विकार जब तक होते हैं तब योग नहीं हुआ गीता का। तो विकार पैदा ना हो, संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता तो आवेगी। कोई ऐसा इतिहास में आदमी को नहीं मिलेगा कि जिसके सामने अपने जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता ना आई हो। जैसे भगवान राम है, उनको राज्याभिषेक की बात आई और फिर वनवास की बात आई, तो अनुकूलता आई, राज्याभिषेक हो जाएगा, अनुकूलता आई, और फिर का 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश उदय वशिष्ठ उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, वनवास आया। तो दोनों आने पर उनमें विकार नहीं आया। लिखा है प्रसन्नता ज्ञान गता अभिषेक तथा न मंगले वनवास दुख मुखांज श्री रघुनंदन से। तो भगवान जो मुखांज श्री है, भगवान के मुख की जो प्रसन्नता है वो राज्याभिषेक होगा, इसको लेकर वो राजी ज्यादा नहीं हुए। और वनवास के दुख लेकर के तथा न मंगले वनवास दुख था, वनवास हो जाए इसमें मुख में मलिनता नहीं आई। मुखाम्बुज श्री, मुखाम्बुज शीर्ष होगा है वो समान रही, और समान रहने से भी एक विलक्षण बात बताई कि जब केकई ने राजा को वचनबद्ध करके और रघुनाथ जी की सौगंध काटने पर वरदान वरदान मांग लिए, मेरे जो पुराने वरदान दो बाकी है वो देना चाहती हूँ, राजा ने कहा दो के चार ले लो, क्या ले कि नहीं, दो लेने में ही संदेह है, चार कहाँ दोगे आप? अच्छा मांगो तुम वरदान, तो एक वरदान में तो राम जी का वनवास और दूसरे बन में भारत का राज्य, ये मामला। तो दशरथ जी व्याकुल हो गए और कह दिया कि भरत को तुम राज्य दे दो, इसमें कोई बाधा नहीं, इसमें राम भी नाराज नहीं होंगे, हम भी राजी है, परंतु राम जी को वनवास क्यों भेजती हो? ये बात हुई। अगर उस समय एक बात और हो जाती कि तुमने वरदान मांगा है, वो दो वरदान मांगा, दो में पहला वरदान किया है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो ये पहला वरदान है, ये पहले ले लो और ये राज्य देना ये पीछे ले लो, पहला वरदान ले लो। ऐसा कर देते ना तो ठीक बात रह जाए, ठीक ठीक ठहर जाती बात, कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक बात हो जाती। दशरथ जी ने कहा तुम राम को वनवास में क्यों भेजती हो? कहते नहीं, वनवास अगर कल भी नहीं जाएंगे तो बस मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा अपयश होगा, तुम भविष्य मुख्य हो, और प्राण जाए पर वचन जाए, इस पर अड़ गई, तब ये कुछ तो हो गया सफा। पहले कर देते अच्छी बात है, तेरा पहला वरदान पहले दे देंगे, दूसरा वरदान फिर दे देंगे, और वो बुला लो, तो कुछ नहीं होता, कल सब ठीक बैठ जाता। परंतु बॉडी इस वनवास में भेज दो, कल ही जाएंगे सुबह इस वनवास निकल जाइए, आज कर लिया पहले वरदान का, पहले दूसरे वरदान का वरदान तो दूसरा खाइए। तब ये बात हुई, तो राम जी को पहले राज्य सुनाया कि भाई
कल आपको राज्याभिषेक होगा। तो बड़ा आनंद हुआ सब में, अयोध्या मातृ में बड़ा आनंद हुआ कि राम जी राजा बनेंगे। तो लक्ष्मण जी आए, बड़े खुशी हुए। राम जी को कहा तो राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, निमित्त मात्र तो मैं बन जाऊंगा राजा, पर राज्य तुम्हारा ही है, भाइयों का ही है, तुम रहना, तुम ऐसे मत समझना। भगवान को सामने गई। और उस समय राम जी का विचार आया कि जन्मे एक संग सब भाई, हम एक साथ जन्मे। थोड़ा पहला राम जी जन्मे, पीछे वरुण जी जन्मे, फिर लक्ष्मण जी जन्मे, फिर शत्रुघ्न जी जन्मे। ये उनके जन्म का क्रम है। परंतु समझे तो एक रात में साक्षित्र में, तो जन्मे एक संग सब भाई, और भोजन शयन खेली लड़काई, साथ में भोजन करते, साथ में सोते, साथ में खेलते, साथ में लड़कन भी था, लड़कपन भी था, बचपन साथ में ही रहा, और कर्ण भी कान भी ले गए तो साथ में, उपमीत जिले हुई तो साथ में, पढ़ाई में गई तो साथ में, अरे और तो क्या करे, ब्याह भी साथ में, ये भी साथ में, भोजन शहर के घर का ही, कर्ण वेद उपमीत विवाह हुई, संग संग सब भय उचाऊ, सब उत्सव संग संग हुआ। प्रणम इस सूर्य वंश की, रघुवंश की एक रीत है, वह रीत खराब है। क्या कहा? अंत देखो विमल वंश अगर अंत देखो, विमल वंश तो बड़ा विमल है, शुद्ध वंश है, बट शुद्ध वंश में अनुचित एक बार अनुचित है। इसमें वंश हमारा बड़ा शुद्ध रघुवंश है, मेरा बहुत प्रसाद रघुवंश की, विमल वंश कर अनुचित एक बात अनुचित है कि बंधु बिहार बड़े ही अभिषेक, छोटो छोड़ देना, बड़े को राजगन देना, तो हम साथ में या सब राज भी साथ में ही होना चाहिए चारों का, एक हो जाना चाहिए। ये रस्म पूरी करनी है, परंपरा से रीति चली आई है, तो अनुचित है, ये उचित नहीं है। ये रघुनाथ महाराज कहते हैं ये रीत अनुचित है, पर वो रस्म पूरी करनी है, रीत है जी पूरी करनी है, इस वजह से निमित्त मात्र में बनता हूँ। तो गोस्वामी जी वहां देखते हैं कि प्रभु पश्चाताप विशेष सुहाई, क्या काम है भगवान की जो पश्चाताप है, भरे भगत बन की कुटलाई, क्या समय है उसपे। हाँ, प्रभु सप्रेम पश्चाताप सुहाई, प्रेम सही जो पश्चाताप है कि ये ठीक नहीं है, ये बड़ी सुहावनी चीज है, पश्चाताप होना बड़ी बढ़िया चीज है। क्यों कि हरे भगत मन की कुटलाई, जो राम जी का भगत होगा उनके कुटलाई दूर कर देंगे, मन उनका भी स्वार्थ भाव दूर होगा। हमारे रघुनाथ जी महाराज मालिक है, उनके मन में कपट नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, तो अपने भी स्वार्थ न रखे। तो हरे भगत मन की कुटलाई, ऐसी हुई बात हुई। तो राम जी के राज की बात सुनकर भगवान में कोई प्रसन्नता नहीं आई, उनको तो अनुचित मालूम दिया। अनुचित से कोई राजी होता है? हमारे मन के विरुद्ध अनुचित बात हो जाए तो उसमें हम राजी होंगे क्या? तो ये अनुचित हुआ मन, इस बात से भगवान ने देखा ठीक है भाई, विमल वंश की जीत है तो अपन ठीक है, स्वीकार कर ली। अब ये बात हुई, वो राम जी को बुलाने के लिए गए सुमंत, तो वहाँ सुमंत गए बुलाने को, पधारो, क्या बात है, हमारे बात का तो पता नहीं है, महाराज मूर्छित हो रहे हैं, और केकई ने कहा है कि महाराज राम जी को दिखाओ, बुलाओ, राम जी को देखना चाहते हैं। तो वहाँ लोगों ने दीप ही ले चलाई,
लेने गए तो रघुवंश दीप हुआ, दीपक, और दीपक हुए अब गए पास वहां जाकर तो जायदीश रघुवंश मणि। जब केकई की बात देखी, दशरथ जी को मूर्छित देखा तो वहां मणि हो गए, तो रघुवंश मणि जायदीश रघुवंश मणि उस मणि हो गए। उस प्रेम भाग में वो सुपाही भाई सूर्य की, हाँ, जो वह बात सुनी और के कई ने सुनाया कि क्या बात है माँ, कि बेटा बात क्या है, तुम तो सदाई अपने पिता की बड़े भाई भाइयों की सब आदर करते हो, ऐसी बात बढ़िया है तो मैंने वरदान मांग लिया तुम्हारा वनवास और बदला राजीवास, राजीव वो दुख हो गया। तो ये बात सुने तो मन मुस्काए, भानुकुल भानु भगवान हंसे तो उसमें सूर्य हो गए, पहले से दीपक देखा जब हुए मणि और बात सुने जन हो गया सूर्य, तो तेज बढ़ा है रघुनाथ जी में लगा घटा नहीं, वनवास की बात सुन कर गए तो प्रसन्न हुए। और रघुवीर चौगुण चाहू, राम जी ने चौगुना चाह हुआ, चार गुना चाह अधिक हुआ, राज्य सुनने से जो प्रसन्नता हुई उससे चार गुना उत्साह अधिक है राम जी वनवास में। चार गुना क्या हुआ, कहा कि मुनि जन मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, चंद्र में जा ऋषि मुनि मिलेंगे, अरे राज में ऋषि मुनि थोड़ी मिलेंगे, ये बात बढ़िया। तो एक बात तो ये हुई, मुनि जन मिलन विशेष बन अरे सब ही भांति हित मोर, अरे तिन में पितु आयुष भोर, दूसरी बात पिताजी का गया और सम्मत जननी, तो के कई माँ को कहते माँ तेरी सम्मति हो गई, तो दूसरा राजा की आज्ञा, तीसरा तुम्हारी प्रसन्नता, अरे भरत प्राण पेड़ पावे राजू, हमारे प्राण प्रिय भरत को राज्य मिल जाएगा, विधि सद विधि मुख सन्मुख आज, आज तो विज्ञाता सब तरह से मेरे सन्मुख हो गए। ये चार चावल मुनिजन दिन विशेष में एक, और एक पितु आज्ञा, और एक माँ की प्रसन्नता, और एक भरत को राज्य, तो चौगुना उत्साह हुआ उनके ज्यादा बड़ा। तो भगवान के राज्य से कोई प्रसन्नता हुई हो और वनवास से न्यूनता नहीं हुई किंतु और बढ़ा, इस तरह से मनुष्य के लिए चाहिए कि अपने स्वार्थ की बात सुन करके तो मलिनता होनी चाहिए और विपत्ति बात बन करके राजी होना चाहिए, उनमें चौगुना चाह उतना चाहिए। तो गीता तो कहा समता, सुनता रहनी चाहिए दोनों में, राज सुनाओ चाहे वनवास सुनाओ बरोबर रहना चाहिए। रघुनाथ जी के वनवास सुनने से चौगुना चाह हुआ, तो भक्तों के मन में ऐसी बात आनी चाहिए कि आपके मन के विरुद्ध बात होने पर खुशी आनी चाहिए, ज्यादा राजी होना चाहिए, जो जो बिलना आवती तो राजी होना चाहिए। तो ये है गीता की समता, समता से ऊंचाइए क्या विपत्ति में राजी, तो इस क्या होगा समता आ जाएगी। जैसे गंगा जी का कोई पार जाना था उस पार, तो गंगा जी ऐसे चलेगा तो पार जाएगा बहुत दूर, गंगे ले जाएगी, तो गंगा जी के सामने चले, सामने चलते ही चले तो भी गंगा ले ही जाएगी उधर। तो समता कब आएगी, जब कि गंगा जी के प्रवाह को लेकर सामने बरोबर सामने चला जाए। तो ये विपत्ति के सामने आनंद आना चाहिए, जब समता रहेगी और अनुकूलता में राजी होगो क्षमता नहीं होगी, इसका नाम योग है। गीता में समत्वम योग उच्यते, समान स्थिति रहनी चाहिए, अनुकूल प्रवृत्तियां, ये योग है। तो योग शास्त्र सिद्धांत सम्मत योग शास्त्र है ये। तो योग मन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाचलते योग, अष्टांग योग, ये योग है सब। तो योग नाम गीता का है समता का, समता रहनी चाहिए और ऐश्वर्य रहना चाहिए और समाधि भी होनी चाहिए, सब तरह का मिलावा योग गीता का है। मुख्य गीता की है समता, ये योग है। आप पढ़े लिखे हो अपढ़ हो,
जानते हो नहीं जानते हो परवाह नहीं, आपके अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहनी चाहिए। ये आप किसी उपाय से करो बस योग हो गए सदा। तो उस योग की प्राप्ति अपने को करनी है। सब भाई बहन ज्ञान ध्यान देकर सुनो कि सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समा सिद्धौ असिद्धौ च सिद्धि सिद्धो निर्विकार कर्ता साधुते। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहे सम रहे उसका नाम है योग। ये गीता का योग अपने जीवन में लाना है, ये सिद्धांत है। आप कुछ भी पढ़ो कुछ भी अभ्यास करो आपको सर्वथा छुट्टी है। टोटल ये आना चाहिए अंत में हमारे मन में, ये बात है मन में फर्क ना पड़े। ये है तेरे दस्तर को ये शाम साम्य स्थित मन, ये नहीं आत्मा सम है, आत्मा सम नहीं। योग सिद्ध होगा यही दस्तर को ये शाम साम्य स्थित मन निर्दोष में समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है। जिसका मन निर्दोष सम हो गया तो गीता सिद्धि दे देगी, सिद्ध हो गए। तुम कुछ पढ़े लिखे हो न पढ़े लिखो कोई पूछते ही नहीं तुमने योग अभ्यास किया कि नहीं किया और कुछ किया कि नहीं किया पढ़ाई की कि नहीं की कोई हद नहीं, ये समता आनी चाहिए। तो ये आप लोगों से कहना है अपने जीवन में समता को लाओ, अनुकूलता प्रतिकूल दोनों आने पर भीतर में रंग न बदले। रंग बदला नहीं उसको ये रंग है, इसका नाम समता है, ये योग है। मन सम होगा ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, तीनों से होगा। ज्ञान योग से भी सम हो जाएगा, भक्ति योग से सम हो जाएगा, कर्म योग से सम हो जाएगा। ऐसा गीता में आएगा कोई सफर नहीं। और उस बात हम तो इतना कहते हैं कि आपकी मर्जी आओ जिस योग को करो, मन में समता आनी चाहिए, आप खुशी आओ करो, मर्जी आओ जो करो। वो अधिकारी का अनुसार, अधिकारी में छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ अधिकारी में छोटा बड़ा नहीं है। अधिकारी क्या है कि जिसको ज्ञान योग सुगम मालूम देता हो तो वो श्रद्धा विश्वास और योग्यता, किस पर श्रद्धा है किस पर विश्वास है और किस साधन की आप में योग्यता है, ये देख करके पात्रता देखनी होगी। पात्र ऊंचा नीचा छोटा बड़ा की श्रद्धा नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा आपके ज्ञान योग पर ज्ञान योग आपके लिए ठीक है, श्रद्धा आपकी भक्ति योग है तो भक्ति योग ठीक है, श्रद्धा आपकी कर्म योग पर कर्म योग ठीक है, आपका विश्वास श्रद्धा और भीतर में योग्यता जिसमें हो वो उसके पात्र हो और उसके बारे वही हो। इसमें छोटा बड़ा नहीं है, सब समान। नारायण 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 समता सबसे होगी, ज्ञान योग से कर्म योग से योगास्त्रो में आप लोगों का भागवत में तीन योग होता है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तीनों योग तीनों समता आ जाए। समता नहीं आई तो ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग किया समता नहीं तो भक्ति योग नहीं, कर्म योग किया समता नहीं है तो कर्म योग नहीं। कर्म है कर्म है, भक्ति है ज्ञान है कर्म है योग नहीं। एक कर्म है कर्म योग है, एक भक्ति है एक भक्ति योग है, एक ज्ञान है एक ज्ञान योग है।